अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जी, टाइटल से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज का व्लॉग किस सिलसिले में है। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ एल्दरी डैम विद माय ऑल फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। तो अभी बज रहे हैं 7:00 और जैसे ही मैं फ़्रेश होकर किचन में आई तो मेरी जो देवरानी है उसने ऑलरेडी मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था, यानी कि चाय एंड पराठा। उसको पता है कि मैं बहुत शौक़ से चाय पराठा खा लेती हूँ, तो उसने वही मेरे लिए रेडी किया। और साथ ही उसने अपने लिए हाफ़ फ्राई ऑमलेट बनाया और पराठा, बिकॉज़ वो चाय नहीं पीती हैं। और साथ ही हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और सारी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी यही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट रेडी किया, क्योंकि टाइम की किल्लत थी, हम लोगों ने झटपट फटाफट से रेडी होकर भी निकलना था। और रही बात टिफ़िन की, तो हम लोगों ने उसका ऑर्डर भी होटल में दे दिया था, यानी तहारी वगैरह हम लोगों ने होटल में ऑर्डर दे दी थी। अब मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ पर जो है अदीना उठ चुकी है और अनाबिया सो रही थी। अदीना आप लोगों को हाय कह रही है। क्योंकि कैसे हैं गाइस, आज मैं जा रही हूँ जम्पेरी डैम। एल्दरी डैम, सलाम करो। सलाम एल्दरी डैम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो सबसे पहले आप ब्रश कर लो। चलो ओके, चलो ब्रश करते हैं। तो जी आप ब्रश करो, हम कपड़े निकालते हैं आपके। जब तक तो आनू अभी सो रही है और अदीना कर रही है ब्रश, तो मैंने कहा जब तक मैं बच्चों के लिए कपड़े निकाल देती हूँ जाने के, प्लस अभी पहनाने के। तो सडन हम लोग का प्लान बना था जाने का, और मैंने रात में भी मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, तो अब मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि साथ में आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये सिंपल सी पैंट प्लस ये टॉप मैंने निकाला अदीना के लिए, और आनू के लिए ये कम्फर्टेबल सा फ्रॉक निकाला मैंने। ये कंफर्टेबल से कपड़ों में बच्चे आसानी से ताकि खेल कूद कर सके, और साथ में ये सॉक्स निकाले आनू के लिए। और अब मैंने जाने के कपड़े भी निकालने हैं, यानी कि मैंने बच्चों का बैग रेडी करना है ताकि अगर डैम पर बच्चों के कपड़े भीग जाए तो मैं उन्हें चेंज करवा सकूं। तो ये सिंपल सा टी शर्ट और ये सिंपल सी कम्फर्टेबल सी पैंट मैंने अदीना के लिए ली है, और साथ में एक स्वेटर, बिकॉज सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है और अगर सर्दी बढ़ जाए तो मैं उन्हें पहना सकूं। तो खैर, आनू के लिए मैंने लिया ये सिंपल सी जीन्स की पैंट और साथ में ये ब्लैक टी शर्ट, और स्वेटर मैंने ये ले लिया जो कि मेरे हस्बैंड कल ही लेकर आए थे। और कोई चीज़ रहती है जो कि मैं भूल चुकी थी, और आखिर मुझे याद आ गया कि मैं बच्चों की टोपी भूल चुकी हूँ सर्दियों की। तो ये मैंने आनू के लिए लिया और ये अदीना के लिए, और अब मैंने फटाफट से बैग पैक करना है। तो चलें, हमारी अदीना हो चुकी है रेडी। अब मैंने लास्ट में इसका करना है ब्लश, तो ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का ब्लश जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, और मुझे बच्चों के मेकअप में ब्लश बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरा, और मुझे बच्चे ब्लश के साथ बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो मैं अदीना और अना को आइज़ पर, नोज़ पर, चिन पर, चिक्स पर, प्लस फोरहेड पर भी ब्लश करती हूँ। तो खैर, अना को मैंने रेडी कर लिया था और मेरे हस्बैंड उसे लेकर गए हैं बाहर, बिकॉज़ वो थोड़ा रो रही थी।
दैट्स वाई। और देखिए गाड़ी हम लोग की आ चुकी है और हमने मंगवाई है क्रूज़र, बिकॉज़ ये थोड़ी बड़ी होती है और मेंबर्स भी ज़्यादा थे और एक ही गाड़ी में बैठकर जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चले निकलते हैं। जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं एल्दरी गांव, जो कि जिंतूर के करीब है और दूर से ही आप लोगों को एल्दरी डैम जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये है इसका फर्स्ट व्यू एंड सेकंड वाला जो व्यू है इसका वो गार्डन में से नज़र आएगा। तो हम लोगों ने सोचा था कि पहले शुरू मतलब यानी हम डैम पर बाद में जाएंगे एंड पहले हम गार्डन में जाएंगे। तो अभी हम पहुँच रहे हैं गार्डन के गेट के पास। तो खैर हम लोग पहुंच चुके हैं गार्डन के पास। तो ये है गार्डन का मेन गेट जहाँ से लोग गार्डन में एंटर होते हैं और इसकी भी एक अलग स्टोरी थी, यानी कि इसको लॉक था लगा हुआ। और फर्स्ट टाइम हम लोग इधर आए थे वो भी 2-2.5 घंटे का ट्रैवल करके, और जो लोग हैं वहाँ पर जो भी गेट के पास आ रहे थे वो सारे ही पलट कर जा रहे थे। तो पलट कर जाने वालों से पूछने का कोई फ़ायदा ही नहीं था और गेट कीपर वगैरह कोई थे ही नहीं वहाँ पर अवेलेबल। दैट्स वाई हम लोग भी वहाँ से पलट गए। हम लोगों ने सोचा कि अब डायरेक्टली हम लोग जाएंगे डैम पर और वहीं पर हम इंजॉय करेंगे और उसके बाद हम लोग खाना वगैरह हमारे खेत में जाकर खाएंगे और फिर घर पर जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं डैम पर और ये रहा डैम। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमें पानी पानी नज़र आएगा और ये जो स्पेस है जहाँ पर हम खड़े हैं तो बारिश में वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, पानी का जो फ्लो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब हम इस डैम के करीब जाकर देखते हैं। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि कितना नेचुरल और कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। गांव का माहौल, नेचुरल सीन, दरख्त वगैरह और परिंदों का उड़ना और बफेलोस का स्विम करना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लग रहा था। और परिंदों के जो है घोंसले भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे जो कि सारे ब्रिज के नीचे थे और वो मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे मोबाइल का पानी में गिरने का डर लग रहा था, दैट्स वाई। तो खैर अब हम उतरते हैं पानी में। तो किनारों के पास पास ही जाएंगे हम, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि किनारों के करीब ही रहेंगे। पानी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और बहुत बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और फ़ोटोशूट भी किया हमने यहाँ पर। और अब हम आ गए हैं इस ढाबे में जो कि बंद पड़ा हुआ था और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो हमने सोचा कि यहीं पर दस्तर बिछाकर हम खाना खा लेते हैं। लेकिन डैम पहुंचने के पहले हम लोग का प्लान था कि हम लोग गार्डन में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन यहाँ पहुंचने के फौरन बाद जो हमने गेट को लॉक देखा तो वहीं पर हमने इस आइडिया को खैराबाद कर लिया। और अभी फ़िलहाल बहुत कड़क धूप थी और
प्यास की शिद्दत प्लस भूख की शिद्दत, बिकॉज़ हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट करके ही आए थे, और ऐसे में इस शेड का मिलना हमें बहुत बड़ी नेमत लग रही थी। तो खैर शुक्र बजा लाते हुए हम लोग यहीं पर बैठ गए, और जैसे ही खाना खाकर हम लोग फारिग हुए तो हमें गार्डन के गेट के खुलने की आवाज़ आई, जो कि शेड के फौरन बाद ही खुल चुका है। गार्डन का गेट दोबारा से लॉक हो चुका था और हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्माउंट हो गए थे, लेकिन पता चला कि इस गेट से नहीं दूसरे गेट से एंट्री है। तो फिर हम लोग दूसरे गेट से एंटर हुए, यानी कि इस वाले गेट से अब हम एंटर हो रहे हैं गार्डन में। गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं गार्डन, जो कि मुझे नॉर्मल से लगा, ऐसा कोई ख़ास नहीं लगा। दैट्स वाई मैंने इसके कोई ज़्यादा वीडियोस शूट नहीं किए, और यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूं। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हाँ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी या व्लॉग के साथ।